श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा महला पहला नीवी नीवी पाई लगूं गुर अपने आत्म रामो निहारिया करत बिचारो हिरदे हरि रहया हिरदे देखे विचारिया बोलो रामो करे निस्तारा गुर प्रसादी रतनो हरि लाभे मिटे ज्ञान होए उजियारा। मैं पुनः पुनः अपने गुरु के चरण छूता हूँ। गुरु कृपा से मैंने अपने भीतर बसते राम को देख लिया। परमात्मा राम के गुणों का विचार करके उसे अपने भीतर स्मरण कर रहा हूँ, हृदय में उसका दर्शन कर रहा हूँ, उस प्रभु के गुणों को सोच रहा हूँ। करत विचारो हृदय हरि रविया हृदय तेखी विचारे। हे भाई, परमात्मा हरि का नाम राम का नाम स्मरण करो। जब गुरु की कृपा से कीमती हरि नाम प्राप्त हो जाता है तो भीतर से अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। गुर प्रसादे रत्नो हरि लाभे मिट्टे अज्ञानो होए उजियारा। रमनी रवे बंधन नहीं टुटी विची उमे परमो ना जाई सतगुर मिले ता उमे टुटे ता को लेखे पाई। हरि हरि नामो भगति प्रिय प्रीतमो सुख सागरो उर तारे भक्त वच्छल जग जीवनो दाता मति गुरमति हरि निस्तारे। जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की केवल मौखिक बातें करते हैं उनके माया वाले बंधन टूटते नहीं हैं, वे अहंकार में ही फंसे रहते हैं, उनके मन की दुविधा दूर नहीं होती है। जब पूर्ण गुरु मिले तब भी अहम भावना टूटती है और तब भी मनुष्य सत्कृत होता है। जो मनुष्य हरि नाम स्मरण करता है, प्रिय प्रभु की भक्ति करता है, सुखों के समुद्र प्रीतम प्रभु हरि को अपने हृदय में बसाता है, उस मनुष्य को भक्ति को प्यार करने वाला प्रभु, जगत के जीवन का सहारा प्रभु, श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला प्रभु, गुरु के उपदेश के प्रभाव से संसार समुद्र से पार करा देता है। भक्त वच्छलो जग जीवनु दाता मति गुरमति हरि निस्तारे। मन सो जूझे मरे प्रभु पाए मनसा मनी समाए नानक कृपा करे जग जीवनो सहज पाई लिव लाए। जो जीव अपने मन से जूझ करके अहंकार को मिटा लेता है, मन के चापल्य को मन के भीतर प्रभु स्मृति में लीन कर देता है, वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। हे नानक, जगत का जीवन प्रभु जिस मनुष्य पर कृपा करता है वह स्थिर चित्त होकर के प्रभु चरणों में मन लगाए रहता है। नानक कृपा करे जग जीवनो सहज पाई लिव लाए। आसा मेला पहला। किसको कहीं सुनावी किसको किस समझावी समझी रे किसे पढ़ावी है पढ़ी गुणी बुझे सतगुरु सब दि संतोखी रे ऐसा गुरमति रमतु शरीरा हरि भजो मेरे मन गहिरा गंभीरा। जो मनुष्य प्रभु भक्ति से ज्ञानी हो जाते हैं वे अपने बारे में ना किसी को कहते हैं, ना सुनाते हैं और ना समझाते हैं। जो मनुष्य परमात्मा हरि के गुण पढ़ करके जीवन रहस्य को समझ लेते हैं वे अपनी विद्या का दिखावा नहीं करते हैं। गुरु के शब्द में जुड़ करके वे संतोष युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। है मेरे मन, गुरु की शिक्षा के अनुसार चल करके उस अथा तथा विशाल हृदय वाले हरि का भजन कर।
जो सबकी देह में व्याप्त है। ऐसा गुरमति रमतु शरीरा हरि पजू मेरे मन गैर गंभीरा, अनत तरंग पगती हरि रंगा, अन दिनो सूचे हरि गुण संगा, मिथ्या जन्मो साकत संसारा, राम भगति जनु रहे निरारा। जो मनुष्य प्रतिदिन परमात्मा हरि की गुण स्तुति के साथ बिताते हैं उनका जीवन पवित्र हो जाता है। उनके भीतर प्रभु भक्ति की अनेक लहरें उठती हैं। मायाग्रस्त संसारिक जीव का जीवन व्यर्थ चला जाता है। जो मनुष्य परमात्मा हरि की भक्ति करता है वह माया से निर्लिप्त रहता है। मिथ्या जन्मो साकत संसारा, राम भक्ति जनु रहे निरारा। सूची काया हरि गुण गाया, आत्मो चिन्नी रहे लिव लाया, आदि अपारो अपरम पारो हीरा, लाली रत्ता मेरा मन तीरा। कथनी कई कई से मुए, सो प्रभु दूरी नाही प्रभु तू है, सब जगु देखिया माया छाया, नानक गुरमति नाम त्याया। जो मनुष्य हरि के गुण गाता है उसका शीर पवित्र रहता है। अपने आप को पहचान करके वह सदा प्रभु चरणों में सुरती जोड़े रखता है। वह मनुष्य उस प्रभु का रूप हो जाता है जो सब का आदि है, जो अनंत अपरंपार है और जो हीरे के समान बहुमूल्य है। उसका वह मन जो पहले ममत्व का शिकार था, लाल के समान अमूल्य प्रभु के प्रेम में रंग जाता है तथा स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य केवल बातें ही बातें करते हैं वे आत्मिक रूप से मृत हैं। पर हे नानक, जिन मनुष्यों ने गुरु की शिक्षा का आसरा लेकर के प्रभु का नाम स्मरण किया है उन्हें परमात्मा अपने अत्यंत निकट दिखाई देता है। सारा जगत माया का प्रसार दिखाई देता है। सब जगु देखिया माया छाया, नानक गुरमति नाम ते आया। आसा मेला पहला ती तुका। कोई भीख को भिख्या खाई, कोई राजा रेया समाई, किस ही मानो किसे अपमानो, ताही उसारे तरे त्यानू। तुझ ते वड्डा ना ही कोई, किसु वेखाली चंगा होई, मैं ता नामो तेरा आधारो, तू दाता करन हारो करतारो। परमात्मा को विस्मृत करके कोई भिखारी भीख मांग मांग कर खाता है, कोई मनुष्य राजा बन करके मस्त हो रहा है, किसी को आदर मिल रहा है, किसी का निरादर हो रहा है, कोई मनुष्य कितनी कल्पनाएं बनाता है और मिटाता है बस इन्हीं कल्पनाओं तथा योजनाओं में खोया रहता है। पर हे प्रभु, तुझसे कोई बड़ा नहीं। जिसे बड़प्पन मिलता है तुझसे ही मिलता है। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा सकता जो भला बन गया हो। मेरे लिए केवल तेरा नाम ही आसरा है, क्योंकि तू ही सब देन देने वाला है। तू सब कुछ करने को समर्थ है। तू सारी सृष्टि का पैदा करने वाला है। मैं ता नामो तेरा अधारू, तू दाता करन हारो करतारू। बाट ना पाऊं बीका जाऊं, दरगाह बेसन नाही थाऊं, मन का अंधला माया का बंधु, खिन खराबो अवे नित कंधु। खान जीवन की बहुती आस, लिखे तेरे सास गिरास। हे प्रभु जी, तेरे ओठ के बिना मैं जीवन का सही रास्ता नहीं प्राप्त कर सकता।
कुमार का ही अनुसरण करता हूँ। तेरे दरबार में भी मुझे जगह नहीं मिल सकती। मैं माया के मुंह में बंधा रहता हूँ, मन का अंधा ही रहता हूँ। मेरा शरीर विकारों में सदा दुखी तथा परेशान होता है। मैं सदा अलग अलग पदार्थों के खाने तथा जीने की कथाएं आशाएं लगाता हूँ। मेरा एक एक श्वास और ग्रास तेरे हिसाब में। खान जीवन की बहुती आस, लिखे तेरे सांस गिरास। अहि नसी अंधले दीप कु देई, पौजल डुब्बत चित्त करई। कहीं सुनही जो मानी नाऊं, हल बलिहारे ताके जाऊं। नानक एक कहे अरदासी, जियो पिंडो सबो तेरे पासी। प्रभु अंधे को दिन रात मार्ग प्रदर्शन करता है, संसार समुद्र में डूबते हुए की चिंता रखता है। मैं उन व्यक्तियों पर बलियार जाता हूँ जो प्रभु का नाम जपते हैं, सुनते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं। हे प्रभु हरि, नानक तेरे द्वार पर ये प्रार्थना करता है कि हमारे प्राण तथा हमारा शरीर सब कुछ तेरे ही आसरे। नानक एक कहे अरदासी, जियो पिंडो सब तेरे पासी। जा तू देही जपी तेरा नाऊं, दरगा बैसन ओवे थाऊं। जा तुद्दो पावे ता दुर्मति जाई, ज्ञान रतनु मन वसे आई। नदरी करे ता सतगुर मिले, पृथ्वती नानको पाउजल तरे। हजूरी में मुझे बैठने के लिए जगह मिल सकती है। जब तेरी इच्छा हो तब मेरी बुद्धि दूर हो सकती है, और तेरा प्रदान किया हुआ श्रेष्ठ ज्ञान मेरे मन में आकर के बस सकता है। नानक प्रार्थना करता है कि जिस मनुष्य पर प्रभु कृपा दृष्टि करता है उसे गुरु मिलता है और वह संसार सागर से पार उतर जाता है। नदरी करे तो सतगुरु मिले, प्रणवती नानको पौजली तरे। आसा मेला पहला पंचपदे। दुध बिनु तेनु पंख बिनु पंखी, जल बिनु उत भुज कम ही नाई। किया सुल्तानो सलाम बिहुना, अंधी कोठी तेरा नामु नाही। की विसरही दुख बहुता लागे, दुखो लागे तो विसरो नाई। जो गाय का दूध ना देवे, जो गाय दूध ना देवे वह किस काम की। जिस पक्षी के पंख ना हो, जिस वनस्पति के पास जल ना हो वह व्यर्थ है। वह बादशाह कैसा जिसे कोई सलाम नहीं करे। इसी प्रकार हे प्रभु हरि जी, जिस हृदय में तेरा नाम ना होवे वह एक अंधेरी कोठरी ही है। हे प्रभु हरि जी, तुम मुझे क्यों भुलाते हो। तेरे द्वारा भुलाने पर मुझे बड़ा आत्मिक दुख होता है। हे प्रभु, मेरे मन से विस्मृत मत हो। कि विसरही दुख बहुता लागे, दुखू लागे तो विसरू नाई। अखी अंधू जीव रहू नाई, कन्नी पवनू न बाजे। चरनी चले पजूता आगे, विन्नो सेवा फल लागे। अखर विग्र विरख बाग मोई चोखी, सिंचित पाउ करे ही सबना फलु। लागे नामु एको बिनु, कर्मा कैसे ले। आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। जी हाँ, में खाने पीने का स्वाद लेने की शक्ति नहीं रहती है। कानों में भी आवाज नहीं सुनाई देती है। पैरों से भी मनुष्य तभी चलता है जब दूसरा कोई आगे चलते हुए उसकी लकड़ी पकड़े। बुढ़ापे के कारण जीव का ऐसी हालत हो जाती है, और फिर भी मनुष्य स्मरण से खाली रहता है। इसके जीवन वृक्ष को
दूसरे फल लगते रहते हैं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय की भूमि में गुरु शब्द रूपी बाग के वृक्ष लगाते हैं और प्रेम रूपी पानी से सिंचन करते हैं, उन सब को अकाल पुरुष हरि का नाम फल लगता है, पर प्रभु हरि की कृपा के बिना यह देन नहीं मिलती। जेते जो तेते सभी तेरे विनु सेवा फलू किसे नाई, दुखो सुखो पाना तेरा ओवे विनु नामे जियो रहे नाई। मथी विचि मरनु जीवनु ओरु कैसा, जा जीवा ते जुगती नाई, कहे नानकु जीवाले जिया, जा पावे ता रखु तुई। हे प्रभु जी, ये तमाम जीव तुमसे उत्पादित है, तेरा स्मरण किए बिना मनुष्य जीवन का लाभ किसी को नहीं मिल सकता। कभी दुख तथा कभी सुख मिलना तो तेरी रजा इच्छा है, पर तेरे नाम के सहारे के बिना प्राण आत्मा स्थिर नहीं रह सकती। गुरु के अनुसार चल करके अहम भावना का मर जाना यही सही जीवन है। यदि मनुष्य का स्वार्थी जीवन समाप्त नहीं हुआ तो वह जीवन व्यर्थ है। यदि मैं ये स्वार्थी जीवन जीता हूँ तो इस जीवन का सही ढंग नहीं कहा जा सकता। नानक कहता है, जो परमात्मा जिंदगी देने वाला है उसी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, जहाँ तेरी रजा है वहीं हमें रख। कहे नानक जी वाले जिया, जय पावे ते राखो तुई। आसा मेला पहला, काया ब्रह्मा मनु है तो ती, ज्ञानो जिनेऊ त्यानो कुस पाती, हरि नामा जसु जाचू नाऊ, गुर प्रसादी ब्रह्मी समाऊ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचारू, नामे सुचि नामो पढ़ू नामे चजु अचारू। मनुष्य शरीर ही ब्राह्मण है, पवित्र मन उसकी धोती है, परमात्मा से गहरी उस हरि परमात्मा से गहरी जान पहचान जनेऊ है और प्रभु हरि चरणों में जुड़ी सुरती कुशा है। मैं तो परमात्मा हरि का नाम ही मांगता हूँ, गुण स्तुति ही मांगता हूँ, ताकि गुरु की कृपा से नाम स्मरण करके उस परमात्मा हरि में लीन रहूं। हे पांडे, परमात्मा हरि के नाम में ही पवित्रता है। मैं तो परमात्मा का नाम स्मरण उसी वेद पढ़ता हूँ, प्रभु हरि के नाम में ही तमाम धार्मिक रीतियाँ आ जाती हैं, तो भी इसी प्रकार परमात्मा हरि के गुणों का विचार कर। पांडे ऐसा ब्रह्म विचारू, नामे सुचि नामो पढ़ऊ नामे चजु अचारु। बारी जनेऊ जिचरु ज्योति है नाली, तोती तिक्का नामो समाली, एथे ओथे निभे नाली, विन्नो नावे ओरी करम न पाली। पूजा प्रेम माया पर जाती जाली, एको देखो अवरु न पाली, चीने तत्तो गगन दस द्वार, हरिमुखी पाठ परे विचार। हे पांडे, बाहरी जनेऊ उतनी देर तक ही है जितनी देर तक ज्योति शरीर में मौजूद है। प्रभु हरि का नाम हृदय में संभाल यही धोती है, यही टीका है, ये नाम ही लोक परलोक में साथ निभाता है। नाम भुला करके दूसरी धार्मिक रीतियां ना ढूंढता, फिर नाम में जुड़ करके माया का मोह अच्छी प्रकार जला दे, यही है देव पूजा। सब स्थानों पर एक परमात्मा हरि को ही देख, उससे अलग किसी दूसरे देवता को मत ढूंढता रह। जो मनुष्य सर्वत्र
व्याप्त परमात्मा को पहचान लेता है, उसने मानो दसवें द्वार में समाधि लगाई हुई है। जो मनुष्य प्रभु के नाम को सदा अपने मुंह में रखता है, उच्चरित करता है, वह वेद आदि पुस्तकों के विचार पढ़ रहा है। हरिमुखी पाठ पढ़े विचार, भोजन पाऊं परमो पहु पागे, पहरुअरा छवि चिरु न लागे, तिलकुल लाटी जाने प्रभु एकी, बुझे ब्रह्मो अंतर विवेकी, आचारी ने जितया जाई, पाठ पढ़े ने कीमती पाई, असट पति चहु पेदु न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाव। हे पांडे, प्रभु प्रेम ही भोग है, इससे मन की दुविधा दूर हो जाती है, भय हट जाता है। प्रभु रक्षक का तेज अपने भीतर प्रकाश कर, कोई काम आदि के चोर निकट नहीं पहुंचता। जो मनुष्य परमात्मा से गहरे संबंध जोड़ता है, मानो उसने माथे पर तिलक लगाया हुआ है। जो अपने भीतर वस्ते प्रभु को पहचानता है, वह भले बुरे काम की परख सीख लेता है। ये पांडे, परमात्मा केवल धार्मिक रीतियों से वश में नहीं किया जा सकता। वेद आदि पुस्तकों का पाठ करने पर भी उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिससे परमात्मा का भेद 18 पुराणों तथा 4 वेदों ने भी प्राप्त नहीं किया, हे नानक, सतगुरु ने वह सर्वत्र दिखा दिया है। असट दसी चहु पेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। असा मेला पहला, सेवको दासो भगतो जन सोई, ठाकर का दासो गुरमुख होई, जिन सिरी साजी तिनी फुनी गोई, तिसु बिन दूजा अवर न कोई। साचो नामो गुर शब्द विचारी, गुरमुख साचे साचे दरबारी। गुरु के सम्मुख रहने वाला मनुष्य परमात्मा का सेवक बनता है। वही मनुष्य वास्तविक सेवक है, भक्त है और दास है। जिस प्रभु ने ये सृष्टि रची है, वही इसे नष्ट करता है, वह अप्रतिम है। गुरु के उपदेश द्वारा परमात्मा का सत्य नाम विचार करके चलने वाला व्यक्ति सदा प्रभु के दरबार में निश्चिंत होते हैं। गुरमुखी साचे साचे दरबारो, सच्चा अर्जो सच्ची अरदासी, मैली खसमे सुने सबासी, सच्चे तख्ती बुलावे सोई, देव डियाई करु सोई, तिरन तानु तू है दीवानु, गुर का शब्दो सच्चु निशानु, मन्ने हुकुमो सो प्रगट हो जाई, सच्चु निशाने ठाक न पाए। गुरु के सम्मुख रह करके की हुई विनय तथा प्रार्थना ही वास्तविक प्रार्थना। महल का मालिक पति प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है और आदर देता है। अपने सत्य सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु उस सेवक को बुलाता है और वह सब कुछ करने में समर्थ प्रभु उसे मान आदर देता है। हे प्रभु, गुरमुख को तेरा ही बल है, तेरा ही आसरा है, गुरु का शब्द ही उसके पास सच्चा परवाना है। गुरमुख परमात्मा की रजा को मानता है, जगत में शोभा प्राप्त करके जाता है, गुरु शब्द की अच्छी राह वारी यात्रा खर्च के कारण उसकी जिंदगी के रास्ते में कई विकार रुकावट नहीं पाता है। मन्ने कमेश्वर प्रगट हो जाए, सच्चो निशाने ठाक न पाए।
पंडित पढ़ी बखानी वेदो अंतरी वस्तु ना जानो पे दो गुरु बिनु सोजी पुज ना हुई साचा रवि रिया प्रभु सोई किया हूँ आखा आखी बखानी तू आपे जानी सर्व विदानी नानक एको दरु दीवानु गुरमुखी साचू तहां कुदरानु। पंडित लोग वेद पढ़ते हैं और दूसरों को व्याख्या करके सुनाते हैं, पर अहंकारवशी ये भेद नहीं जानते कि परमात्मा हरि का नाम पदार्थ भीतर ही मौजूद है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि हर एक के भीतर व्याप्त है, लेकिन ये समझ गुरु की शरण लिए बिना नहीं आती है। आश्चर्यजनक कौतुक करने वाले प्रभु, गुरु के सम्मुख रहने की मैं क्या बात करूं, क्या कहकर के सुनाऊं? तुम इस रहस्य को आप ही जानते हो। हे प्राण, गुरुमुख के लिए प्रभु का ही एक दरवाजा है, आसरा है, जहां गुरु के सम्मुख रह करके स्मरण करना जीवन का अवलंब बना रहता है। नानक एको दरु दीवानो गुरमुखी साचो तहां गुदरानो। आसा मेला पहला। काची गागरी दे दुहेली उपजे विंसे दुख उपाई इहो जगो सागरो दुत्रो कियो तिरिये बिनो अरि गुर पारी न पाई। तुझ बिन अवरा ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिनु अवरू न कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है तिसु बक्से जिसु नदरी करे। वह शरीर दुखों का घर बन गया है तथा ये शरीर दुखों का घर बन गया है तथा कच्चे घड़े के समान है, शीघ्र पानी में गलने वाला ये पैदा होता है, दुख पाता है और फिर नष्ट हो जाता है। काची गागरी दे दुहेली उपजे विंसे दुख उपाई। ये जगत एक ऐसा सागर है जिससे पार उतरना अत्यंत कठिन है, विकृत होकर के इससे इसमें से पार होना असंभव है। वास्तव में गुरु परमात्मा का आसरा लिए बिना इसे पार नहीं हुआ जा सकता। मेरे प्यारे प्रभु, तुम्हारे बिना दूसरा कोई नहीं, कोई और मेरे कष्टों को तुम्हारे बिना दूर नहीं कर सकता। विश्व के समूचे आकार विस्तार में जिस पर तुम्हारी कृपा होती है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्बी रंगी रूपी तू है तिसु बक्से जिसु नदरी करे। सासु बुरी करी वासु न देवे, फिर सो मिलर न देई बुरी, सखी साजनी के हव चरण सरेव, हरि गुर कृपा ते नदरी तरी, आपो बिचारी मारी मनु देखिया, तुस्सा मितु न अवरु कोई, ज्यो तू राखी तिव ही रहना, दुखो सुखो देवी करी सोई। मेरा पति प्रभु हृदय घर में ही बसता है, पर यह है दुष्टा सास अर्थात माया मुझे हृदय घर में टिकने ही नहीं देती और पति के साथ मिलने ही नहीं देती। इससे बचने के लिए मैं सत्संगी सहेलियों के चरणों की सेवा करती हूँ। गुरु की कृपा से पति प्रभु मुझ पर कृपा दृष्टि करते हैं। हे प्रभु, जब मैंने अपने आप को विचार करके अपना मन मार करके देखा तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे समान मित्र कोई नहीं। हम जीवों को तुम जिस हालत में रखते हो उसी हालत में हम रह सकते हैं। दुख भी तुम ही देते हो, सुख भी तुम ही देते हो, जो कुछ तुम करते हो वही होता है।
जियो तो राखी तीवी रहना, दुखो सुखो देवी करी सोई, आसा मनसा दो विनाशत, तिहो ताप आस निराश पई, त्रय अवस्था गुरमुखी पाइये, संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सभी जप तप, जिसो हरि हृदय अलख अभेदा, नानक राम नामी मनुराता, गुरमति पाए सहज सेवा। गुरु की शरण लेने से ही माया संबंधी लालसाएं आकांक्षाएं मिटती हैं, और त्रिगुणात्मक माया की लालसाओं से निर्लिप्त रह जा सकता है। जब सत्संग का आसरा लिया जाए, जब गुरु के बतलाए मार्ग पर चला जाए, तब भी वह आत्मिक अवस्था बनती है जहाँ माया नहीं पहुँच सके। जिस मनुष्य के हृदय में अलक्ष्य भेद परमात्मा बस जाए, उसे मानो तमाम जप तप ज्ञान ध्यान प्राप्त हो गया। हे नानक, गुरु की शिक्षा का अनुसरण करने से मन प्रभु के रंग में रंग जाता है और मन स्थिर अवस्था में टिक कर स्मरण करता है। नानक राम नामी मनुराता, गुरमति पाए सहज सेवा।